जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु के अंतर्गत अपन आकार यानी शेप्स और उसकी प्रॉपर्टीज यानी वो आकार का क्या गुण है इसको देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आज की इकाई में आज के पाठ में अपन समरांगण सूत्रधार ग्रंथ जो राजा भोज द्वारा 10वीं शताब्दी में लिखा गया उसका जो अध्याय 38 है उसके आधार पर आकार के प्रभाव को या आकार के गुणधर्म को देखने का प्रयास करेंगे। तो समरांगण सूत्रधार ग्रंथ के 38वां अध्याय 38th चैप्टर जो है वो मातृका संस्थान है और उसमें ये बताया है कि किस प्रकार के आकार में किन लोगों को रहना चाहिए। तात्पर्य क्या हुआ इसका? तात्पर्य इसका ये हुआ कि एक तो ये हुआ कि जो व्यक्ति है जैसे मान लो राजा है तो राजा के लिए लिख दिया सम। सम मतलब स्क्वायर, सम यानि वर्गाकार। तो जो स्क्वायर है जिसके साइड्स इक्वल हैं वो उसमें जो रहेगा वो राजा रहेगा। एंड वाइस वर्सा जब अपन कहते हैं तो उसका तात्पर्य क्या है कि जो वर्गाकार क्षेत्र में रहेगा जो वर्ग के आकार में रहेगा उसमें राजा के समान गुण विकसित होंगे यानी अपने फील्ड का अपने क्षेत्र का वह राजा होगा। देखो राजा से यहाँ तात्पर्य यह समझना कि जिस भी क्षेत्र में वो है उसमें वो शीर्ष पर है शिखर पर है। उसके अधीनस्थ कई व्यक्ति हैं लोग हैं और वो कार्य करते हैं और वो उनको निर्देश देता है, ऐसा उसका इंटरप्रिटेशन करना। तो यहाँ कहा कि देखो जो वर्गाकार है चतुरश्र है वो राजाओं के लिए ठीक कहा, अच्छा कहा। साची जो है वो पुरोहित के लिए, दीर्घ यानी जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है, डेप्थ कम है, गहराई कम है, लंबाई कम है, वो छोटे राजकुमार के लिए। वृत्त को कहा सेनापति के लिए। शंबुक को कहा जो रथ आदि का कार्य करते हैं उनके लिए। शकट की जो आँख है शकटाक्ष वो व्यापारी के लिए, बनियों के लिए, वैश्य के लिए। भग की जो आकृति है वो वेश्याओं के लिए कही गई, ठीक। इसी प्रकार आदर्श यानी जो शीशा होता है दर्पण होता है वो सुनार के लिए अच्छा कहा। वज्र की आकृति गोष्ठिक लोगों के लिए ठीक कही गई। इसी को जब अपन और आगे देखते हैं तो जो कंथाकृति है जो पुत्र चाहते हैं पुत्र के अभिलाषी उनके लिए ठीक है। जिसके कान नहीं है छिन्न करना वो महामात्र के लिए। विकर्ण जो है वो बहेलियों के लिए शिकारियों के लिए। शंख सदृश है वो एक आँख वाले के लिए। छुरी के समान जो है वो गण के आचार्य के लिए। शक्तिमुख जो है वो वज्र के अध्यक्ष के लिए। हो सकता है बहुत सारे आकार अभी क्लियर ना हो। कूर्म पृष्ठ जो बीच में से उठी हुई है माली के लिए। संदंश जो है वो दर्जी के लिए। व्यजन पंखे की आकृति है वो घोड़े पालने के लिए। श्राव आकृति है वो बड़ाई के लिए। तो जो आकार के गुण हैं ऐसी ड्राइंग पेंटिंग फोटो पिक्चर भी यदि अपन लगाते हैं तो उसके यही गुण होते हैं। मागध लोक के लिए स्वस्तिक की, बाजा बजाने के लिए पणों की, मृदंग जो है वो भी बाजा बजानों के लिए बजाने वालों के लिए, रथ हाँकने वालों के लिए विशरकर, कंदाकृति जो है वो चांडाल के लिए, खेत में काम करने वाले जो हैं उनके लिए यव मध्य, जो श्रमण है उन लिए उत्संग आकृति, गजदंत वाली जो हाथी के वाहक है उनके लिए, परशु फरसे की आकृति कैदी लोग के लिए, गड्ढे की आकृति मजदूरों के लिए शुभ बताई गई है। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती है। उसी प्रकार आगे कहा कि जो प्रलंब है वो नाई लोगों के लिए, विवाहिक जो है वो खजाने की रक्षा करने वालों के लिए, ट्रेंगुलर और पेंटागॉन जो शेप है वो अग्नि से आजीविका करने वालों के लिए, परिच्छिन्न जो है वो
मानव जीवी के लिए। दिक् स्वस्तिक जो आभा है वो चैत्य के लिए, घरों के लिए। श्री वृक्ष जो है वो यज्ञवाट के लिए, वर्धमान भी उसी प्रकार। एणीपद जो है वो गणिकाओं के लिए और नरपद जो है वो चोर के लिए। तो कुछ आकृति अपन ने बनाई है, उसको भी साथ ही साथ देख लेते हैं कि लगभग लगभग ये कैसी दिखती होंगी। तो जो चतुर्थ चौकोर है ऐसा शेप दिया है ना, चतुर्थ को रेक्टेंगुलर भी कहा और सम को स्क्वायर कहा। इसी प्रकार ऑब्लिक है उसको साची कहा, जो बहुत चौड़ा है उसको लॉन्ग कहा, वृत्त यानी सर्कुलर, शंबुक यानी इस प्रकार का शेप शंबुक, फिर शकटाक्ष यानी जो गाड़ी की आँख होती है उसको, फिर ये भग आकृति को कहा, इसी प्रकार आदर्श को कहा, फिर वज्र जो है वो इंद्र का जो अस्त्र था वज्र कहा, फिर कंथा डिक्शनरी में इस प्रकार मिलता है, इसी प्रकार छिन्न कर्ण है विकर्ण है, शंखाब शंख के समान है, छुरी के समान है, शक्ति के समान है, कूर्म प्रष्ट यानी जो कूर्म होता है कछुआ होता है उसका जो बैक का पोर्शन है पीठ जो निकली हुई है, फिर सदंश इस प्रकार बताया। ऐसे कुछ शेप्स अपने को मिल गए हैं, व्यंजन यानी पंखा, फिर शराब यानी इस प्रकार का प्याला कह सकते हो, स्वस्तिक अपन जानते हैं, प्रणव ये एक प्रकार का बाजा होता है म्यूजिक होता है, तो कंथाब ऐसे कुछ शेप्स, यव मध्य मतलब जो बार्ले ग्रेन होती है उसका जो मिडिल वाला पोर्शन होता है उसको यव मध्य कहते हैं, हाथी का दांत होता है, परशु यानी जो कुल्हाड़ी कह लो आप उसको वो रहते हैं। इस प्रकार कुछ शेप्स अपन डिफाइन कर सकते हैं। तात्पर्य यहाँ क्या है, तात्पर्य यह है कि भूमि के आकार के माध्यम से आकार के गुण बताएं, और जैसे शेप्स में कॉलोनी में प्लॉट में बिल्टअप में कमरे में व्यक्ति निवास करेगा उसकी टेंडेंसी या उसकी मानसिकता उसी प्रकार की होगी जो यहाँ रिजल्ट या गुण बताया है। इसी प्रकार इसी शेप की ड्राइंग पेंटिंग फोटो पिक्चर्स आदि लगाने पर भी उसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होता है। तो जब भी अपन कंसल्टेंसी करें तो अपने को कॉलोनी का शेप प्लॉट का शेप बिल्टअप का शेप उसको ध्यान में रखना चाहिए। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। ये मैथमेटिकल वास्तु के अंतर्गत अपन जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं। तो अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं, आगामी पाठ में ये मैथमेटिकल वास्तु को और आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।